ये इधर देख रहा है और इधर देखो तो इधर देख रहा है। देखो मम्मी चाकू से मजा आ गया, देख लो फिर देख लो। आई आई ये और ये है यहाँ पर अपना स्टूडियो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सो गाइस आज आया हुआ हूँ मैं, आज आया हूँ मैं पापू के पास। और अभी मैं लेटा हूँ देहरादून वाले घर पे। यार मैंने रोड का वीडियो इस वजह से नहीं दिखाया क्योंकि हर बार मैं आपको रोड का ब्लॉग दिखाता हूँ ना, तो कौन लेटा हुआ है सामने? पापू लेटा हुआ है। पापू अभी अभी स्कूल से आया ना, है ना? हाँ तो वही, अभी अभी पापू स्कूल से आया और पापू ने आते ही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए खाने में। फिर थोड़ी देर बाद क्या कह रहा पापू पता आप लोगों को? एक मिनट बाद ही कुछ खाने हैं। असल में कुछ प्रोग्राम था हमारे देहरादून वाले घर पे ना, तो मैं इस वजह से आया हुआ था यहाँ पर। और अभी अपना थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। आजकल डेली व्लॉग चल रहे हैं मेरे बढ़िया वाले। और गाइस मेरी जो गाड़ी के जो मैंने शॉकर चेंज करवाए थे ना, भाई जो मैकेनिक था ना इतना सुपर था, जमाल मैकेनिक। और भाई ने जो पार्ट्स डाले हैं ना उसमें बिल्कुल ओरिजिनल डाले हैं। और मैं देहरादून आया हूँ तो एक मैकेनिक के पास तो जरूर जाने वाला हूँ मैं, जो कि है अपने निकू भाई का दोस्त। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे शुरू कर लेते हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त विकेट सरे। तो गाइस देखो मैं आपको ना कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये ना शबाना वाली ने अभी यहाँ पे कुछ काम करवाया है अपने ड्राइंग रूम में। और ये जो आप देख रहे हो ना शीट, ये बहुत ही मतलब अभी बिल्कुल लेटेस्ट फैशन चल रहा है ये इसका। और भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। देखो डिज़ाइन कितना बढ़िया है इसका, है ना? बहुत ही कूल चीज़ है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट अभी चल रही है ये चीज़। गाइस पहली बार इस औरत ने कोई काम मेरा पसंद का कराया, मैं आपको दिखाऊँ। देखो सामने अभी ये तकिया नहीं दिखा रहा मैं आपको, इस तकिए के पीछे एक पहाड़ जैसा शरीर छुपा हुआ है जो कि ये तकिया कवर। फोन दे दो बस मुझे, अपनी मस्ती पहले भी बहुत मारा। गाइस मेरी जो हालत करी ना सो रुपए में मैं बता नहीं सकता। पापू कैसा था? बढ़िया। सुगाज ये देखो अभी थोड़ी देर बाद क्या हालत हो गई, ये देखो पीछे छुपी हुई है। और अब ये मेरे से पंखा नहीं लेने की, अब इन्हें पता लग चुका है। पापू पापू क्या हालत हुई, खतरनाक नहीं करा था? अभी कुछ देर में टूट। यार इन्हें मैं बाल पकड़ के खींच रही, ओफो मैंने कहा मैं बताऊंगा आज तुम। सो गाइस ये देख रहे हो आप निक्कू भाई का हार्ड वर्क चल रहा है, कितना ज्यादा लाजवाब हो भाई साहब। निक्कू भाई तो तुमने बड़ी सही चीज बोली यार। ये भाई टाइगर है जो एम्बुश कर रहा है, जब वो शिकार से पहले देखता है हिरन को। अच्छा हाँ, तो वैसे ही छुप के देखता है। अब यहाँ पे ये मैंने इसकी आईज तो प्रॉपर बना दी है। अब यहाँ इधर जंगल बनना है, इधर सन वगैरह बनना है, अभी मार्किंग कर रखी है। अभी इसमें काम होगा तो टाइम भी लगेगा।
क्योंकि मैं देख रहा था निकू भाई तुमने रात में मुझे लगे दो या तीन ही पत्ती बनाई सिर्फ, है ना। क्योंकि इसमें दो तीन वो करने पड़ते हैं, कोट करने पड़ते हैं नेचुरल मिलाने के लिए उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, जो उसका बेस होता है उसे। और इसमें डिटेलिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। कसम से बताऊं मैं भाई, क्या लाजवाब लग रहा। देखो मोबाइल में पता लगता है मेन, देख रहे हो आप कितना बढ़िया लग रहा है भाई। टाइगर लग रहा है कि प्रॉपर एक टाइगर लग रहा है कि देख रहा है किसी चीज को शिकार करने के लिए। और इस ये जो आईज का मैंने वो बनाया है, इसमें पैटर्न बनाया है, इससे ऐसा है कि आप अगर उधर जाओगे तो ये उधर देखता नजर आएगा और आप इधर आओगे तो आप इधर देखता नजर आएगा। हाँ यार सही कह रहे तुम, इट्स लाइक अ साइंस। पिटने छितने के बाद ये औरत अब यहाँ गाने गा रही है, हमें माफ करना और साई राम। देखो चाकू से मजाक कर रही, देखो मम्मी चाकू से मजाक है, देख लो फिर। देख लो चाकू से मजाक है। देखो गाइस मेरे ऊपर पानी फेंक रही थी, यहाँ पूरा फर्श गिल्ला कर दिया। क्यों बापू है कर दिया नहीं पूरा फर्श गिल्ला? तो क्या कर रहा जो खुद पानी गिरा दो खुद साफ करते हुए। तो गाइस अब हम अलाइना को लेने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। पापुर में जा रहे हैं अभी अल्लू को लेने, अल्लू का ट्यूशन था ना तो पापुर में जा रहे हैं बापू, है ना। तो चलते हैं अल्लू को लेके आते हैं। अल्लू अल्लू भाई कसम से अब पूरे घर में ना इतना बुरा हाल कर देगी, बस पूछो मत। हेलो हेलो भाई हेलो, आ जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी वहीं पे रुक जाओ। आ जाओ भाई, हेलो भाई हेलो हेलो हेलो, आगे आगे खड़े हो जाओ, आगे खड़े हो जाओ। अब गाइस बस ये सर दर्द है बहुत बड़ा। कितने बड़े सर दर्द हो आप बता देना सबको, बहुत बड़े सर दर्द हो ना? नहीं यार सर दर्द नहीं, आप बोलो सर दर्द कितने बड़े? हो बंदर मामा, आप हो सर दर्द बहुत बढ़िया है ना, हो या नहीं? चलो पहले चलो। हाय दोस्तों मैं घर आ गई, अब मैं नाश्ता करूंगी और पढ़ूंगी नहीं, खेलने जाऊंगी। सुन तो ले, तेरी मम्मा को इतना मारा इन्होंने। मम्मा को समझ आ गई, अब समझ आ गई ये मेरे चाचू है, कुछ भी कर सकते हैं। वे ये अभी लेके भी तो आया हूँ मैं अपने अल्लू। आप फिर जाना उसको क्या था, आपको बता दीजिए। ये मैं अपने अल्लू को लेकर आया हूँ। ये मेरी चाचू है, ये मेरी चाचू है, ये मेरी चाचू है, ये मेरी पिल्लर है। तो गाइस अभी मैं निकू भाई के साथ जा रहा हूँ, निकू भाई का एक ऑफिस है यहाँ पे। अभी रिसेंटली निकू भाई ने एक ऑफिस बनाया है जी समाचार का, तो उस ऑफिस पे जा रहे हैं, मतलब न्यूज़ चैनल है वो, और वहाँ पे एडिट वगैरह ही तो होता है निकू भाई, एडिट वगैरह एडिट होती है और जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है उसका प्रॉपर है, पूरा हब है उसका, ब्रॉडकास्ट भी होता है। अच्छा हाँ, अभी फिलहाल हमने ब्रॉडकास्ट बंद कर रखा कोरोना की वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। अच्छा तो अब दोबारा से जल्दी ही रिसेंटली चालू करेंगे उसको, तो अभी जल्दी से अपना काम निपटाते हैं। या बाहर वाला कुछ काम है निकू भाई को ऑफिस में वो भी निपटाते हैं, और फिर उसके बाद जाना है मुझे अनीस मिस्त्री के पास, और मिलूंगा भाई उससे, और देखते हैं आज का जो भी कोई सीन होगा। बाकी मैंने ऐसे कह ही दिया था कल मेरे का भाई, खैर चलो कोई नहीं, वो उसकी भी मजबूरी होगी, जो भी कोई मजबूरी है समझते हैं, हर किसी की मजबूरी को समझना चाहिए, लेकिन अगर कोई बेवकूफ़ बना है तो बेवकूफ़ बनना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे। अच्छा अच्छा, ये इधर इंटरनेट सर्विसेज हो गए, इधर है निकू भाई का ऑफिस, सामने बिल्डिंग है, और ये ऑफिसर निकू भाई का।
सुबह जैसे कि आज सैटरडे है ना, तो सैटरडे वाले दिन रहता है ऑफ, तो इसलिए आज आए नहीं है वर्कर वगैरह जो भी कुछ है। यहाँ पर अपना स्टूडियो वाला सिस्टम पूरा का पूरा यहीं पे ये अपना बैठ के जो है न्यूज़ वगैरह का वो करते हैं। दारविश जी, दारविश और पापू आ चुके हैं। दारविश, दारविश भाई भी आ चुका है और ये आते ही अपना लग गया अपने फोन में। और इधर बैठी है पापू और अल्लू जो कि बना रही है ब्लॉग अपना। और इसके ब्लॉग इतने ब्लर होते हैं ना, पापू के ब्लॉग तो इतने ब्लर होते हैं, बस पूछो मत। कुछ दिखता ही नहीं है, है ना, कुछ नहीं दिख। येलो वाइट टी-शर्ट के कलर भाई। मदर्स डे पे आज क्या क्या हुआ आज? लड़की भाई दूसरे सेक्शन की, हमारा सेक्शन तो बहुत सख्त है, दूसरे सेक्शन की मदर्स डे के लिए बॉयज डोंट हैव फीलिंग, बॉयज डोंट हैव फीलिंग, बॉयज डोंट हैव फीलिंग। अब देख देख के इस तरह मैम साइड में गई हुई, मैं यहां से रहूं। और तू कैसे कर रही थी? नहीं मैं ऐसे नहीं कर रही थी। तूने क्या करा था? बस हैंग के लिए और ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे क्यों क्यों वैसे भाई? अरे भाई वो इतने इमोशनल गाने गा रहे थे, थोड़ी ओवर एक्टिंग होती है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल नहीं आती, लेकिन करेंगे क्योंकि हम तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी जगह गले फाड़ फाड़ के निकल दो। अच्छा तू वो कर देती ना जो मैंने बताया तुझे, वो अपनी टीचर को ठीक आ रही थी मैम, मैं ठीक, मुझे मैं रो नहीं रही हूँ मैम, मुझे ठीक है। तो लेकिन यार सीरियसली गाइस मैं तुम्हें एक चीज बता दूँ भाई, मदर्स डे पे रिस्पेक्ट योर मदर सबसे पहले बात है। आज तो नहीं है, आज तो काम नहीं, लेकिन करना चाहिए ना मदर्स डे। हाँ भाई देख, बी ए बॉयज, हम बॉयज के हिसाब से जो देखा, हाँ दी बॉयज के हिसाब से देखा जाए तो जेन्युइन चीज ये है कि भाई माँ की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, है ना। देखो वो रोने वोने वाली बात वो अलग है, वो अलग है। ज्यादातर वो लड़की रो रही थी जिनकी मम्मी नहीं है, नहीं ज्यादातर वो रो रहे थे जिनकी मम्मी है लेकिन उन्हें प्यार नहीं करती, ये कोई नहीं करता। आई आई ये तेरे दे तेरे। मदर्स डे पे कुछ नहीं ना कुछ खास। अच्छा और अच्छा अल्लू तेरे स्कूल में क्या हुआ? उधर बैठ के ही बताओ, उधर बैठ के। आज तो मैं स्कूल की छुट्टी थी। अरे भाई मैं मदर्स डे की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत पार्टी करी, बहुत पार्टी। मदर्स डे तो आज हुआ, आज तो छुट्टी थी बेटा। ओके ओके बेटा, ओके टाटा, बस टाटा टाटा, ठीक है, ओके टाटा 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 टाटा। गाय अपना दूध दे, गाय और दूध दे, बस बस।